ये काफ़ी छोटा है, लेंथ इसकी बड़ी होती है। मिर्ची ये भी है, मखा चला। दोस्तों कैसा आप लोग, उम्मीद करता हूँ कि आप ठीक हो गए। एक नए ब्लॉग के संग में फिर आ गया हूँ आपका अपना जिसान अली। और जो आज का ब्लॉग है फिर से नैनीताल के मेले के उसको होने जा रहा है। जो ये मेला लगता है, दशहरा मेला कह लीजिए या दुर्गा महोत्सव का मेला कह लीजिए, ये तो हालांकि छोटा मेला लगता है। तो उसमें क्या दुकानें आई हुई हैं, नैनीताल का वेदर कैसा हुआ है, नैनीताल में क्या गतिविधि चल रही है, तो चलिए आप लोग को स्टार्ट करते हैं। कुछ नहीं करते आज के लोग, मेरे ब्लॉग में बने रहेगा, इसकी करके मत देखना, नहीं तो कुछ ना कुछ जानकारी आप छोड़ देंगे। तो चलिए ब्लॉग को स्टार्ट करते हैं। और इस टाइम मैं खड़ा हूँ बीएसए फील्ड में और दिखाते हैं आपको नैनीताल में कैसी गतिविधि चल रही है मेले में। तो देखिए इस टाइम में दशहरा मेला और दुर्गा महोत्सव का मेले में पहुँच चुका हूँ। और कुछ इस तरीके से आज भी दुकानें यहाँ पूरी तरीके से लग गई हैं, आप जैसे यहाँ पे देख रहे हैं आप। तो फुल एंड फाइनल तरीके से यहाँ पे लग चुकी हैं दुकानें पूरी। तो देख सकते आप लोग खरीदारी करते हुए नजर आ रहे होंगे आप लोगों को। तो देख सकते हैं आप लोग, तो यहाँ देख सकते हैं आप लोग। तो यह है दशहरा मेला, दुर्गा महोत्सव का मेला जो 24 तारीख तक है, 24 को फिर एंड हो जाएगा ये। तो मैं आपको रोज दिखा ही रहा हूँ ये, अगर आप इन दोनों में आ रहे हैं तो आप खरीदारी कर सकते हैं यहाँ। तो जैकेट देखिए, जैकेट लूअर बच्चे के कुछ है, झूले मिक्की माउस सामने तो देख सकते आप लोग। और यहाँ से देख सकते आप लोग ये, तो इस तरीके से लगी हैं दुकानें। और कैंडी जाके देख लो कितना अंतर रह गया है। और वेदर की बात करें तो वेदर कुछ इस तरीके से आ चुकी है। तो यहाँ पे देख रहे हैं बादल, आप कितने घने बादल दिख रहे हैं ये। मैम ने यहाँ बोला आ जाओ, उधर नीला आसमान। और यहाँ लगी हैं दुकानें। जैसा आप लोग देख रहे हैं इस टाइम मैं हूँ नैन देवी टेम्पल में, और यहाँ से इस तरीके से व्यू देखने को मिल रहा है ये। तो देख सकते हैं आप लोग, तो इस टाइम हूँ नैन देवी टेम्पल में। और चलिए चलते हैं अंदर की तरफ और अंदर दिखाते हैं आपको। तो ये देख सकते हैं आप लोग, तो यहाँ देख सकते हैं आप लोग यहाँ पे भीड़ कुछ ज़्यादा ही नज़र आ रही है ये सामने। तो ये देख सकते हैं आप लोग कुछ इस तरीके से यहाँ पे खरीदारी करते हुए नज़र आ रहे होंगे लोग आपको। और सामने यहाँ पे देख सकते हो आप लोग, तो यहाँ से भी आप परचेज कर सकते हो। तो ये देख सकते हो आप लोग, और इधर यहाँ पकौड़ी, यहाँ पकौड़ी खा सकते हो आप लोग। One year.
तो इस टाइम मैं आ चुका हूँ फुटपाथ की तरफ। फुटपाथ में आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके से अभी लोग चहलकदमी कर रहे हैं, हालांकि दुकानें अभी नहीं लगी हुई हैं। और सामने हमारी है नैनीताल की, नैनीताल की लेक, और जो चिल्ड्रन पार्क के बच्चों पार्क है, ये शायद अभी तो बंद ही है फिलहाल, लेकिन पर्यटकों की आवाजाही लगी हुई है क्योंकि उधर से खुला हुआ है। और यार्ड बोर्ड सामने चलते हुए इस तरीके से देखिए, और हल्की सी आपको धूप नज़र आ रही होगी पहाड़ों में, तो भी देख सकते हो आप लोग कुछ इस तरीके से ये नज़ारा है। और इधर की तरफ हमारा जो, यहाँ से भी आप जा सकते हैं मेले की तरफ, और जो छोटा मेला लगा हुआ है तो यहाँ से आप ख़रीदारी कर सकते हैं। तो कुछ इस तरीके से आपको नज़र आ रहे होंगे, यहाँ पे ये बच्चों का ग्रुप आया हुआ है। तो यह कुछ इस तरीके से गतिविधि चल रही है आज मेले में। तो देखिए यहाँ पे आप पकौड़ी भी खा सकते हैं, और ये आपको गर्मा गर्म पकौड़ी ये खिलाएंगे। ये बनी भी है, ये शायद आलू की है, और ये मिर्ची, ये भी मिर्च, और ये आलू बैगन की है ये। तो इनको वहाँ से खाइएगा पकौड़ी, ये खिलाएंगे आपको। तो ये देख सकते हो आप लोग गर्मा गर्म खाइए यहाँ, और इधर जो है हलवा पराठा, ये तो ये देख सकते हो आप। और ये हलवा पराठा तो काफ़ी फेमस है। तो ये है पराठा, ये काफ़ी छोटा है, लेंथ इसकी बड़ी होती है। और ये हलवा, और ये है गुलाब जामुन, और ये सेम, और ये सब यहीं बनाया है ना, ये सेम यहीं बनाई है ना, तो यहीं ताज़ी बनी हुई है ये। तो जितना आइटम है सब यहीं बना हुआ है, तो आप यहाँ आ सकते हैं, खा सकते हैं इनको, और यहाँ एंजॉय कर सकते हैं। हलवा पराठे का क्या रेट है? 50 का 250 ग्राम है ये। तो यहाँ से आप ले जा सकते हैं, हालांकि मैं भी ले जाऊँगा बाद में अभी। तो यहाँ से आप परचेज कर सकते हैं, और जस्ट यहीं पर आएगी देखिए। तो ये बिल्कुल पहली दुकान यही है। तो देखिए जैसा मैंने आपको पहले भी दिखाया था कि रामगढ़ के जो पार्ट्स बन रहे हैं वो इस तरीके से बन रहे, देखिए ये हाथ हैं, शायद पैर भी हैं, और ये देख सकते हैं सामने। तो किस तरीके से देखिए बन रहा है यहाँ पे ये, और ये देख सकते हैं अब गिला रहे हैं। तो ये तो शायद इसका पेट है क्या है, तो काफ़ी मेहनत लगती है इसको बनाने में। तो ये देख सकते हैं आप लोग ये, और सारा बना के वो यहाँ रख रहे हैं देखिए। और ये भी दिखाया था मैंने आपको पहले, और ये देखिए, तो इसको रैप कर दिया गया कागज़ों से। पहले मैंने दिखाया था आपको निकालों से बन रहा है, फिर इसको रैप कर रहा है कागज़ों से। तो देखिए इस तरीके से बनता है, ये देखिए पैर है ये। तैयारी चल रही है, 24 को प्रॉपर ढंग से लग जाएगा ये। तो 24 को मैं आपको दिखाऊँगा कि किस तरीके से लग रहा है। तो ये देख सकते हो लोग, तो ये इसकी आँखें, ये दांत, तो ये देख सकते हो आप लोग। और तो इस तरीके से ये रामगढ़ और कुंभकर्ण इस तरीके से 2-3 पुतले बनेंगे। तो ये डीएसए फील्ड में ही बनने हैं, और यहाँ से देख सकते हो आप ये।
फाइनली आज का व्लॉग जो मैंने कंप्लीट कर लिया, आज का व्लॉग पसंद आए तो लाइक करिएगा और मेरे चैनल जिसान को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय बाय।